क्यों जवाब है? दिल्ली की 360 की चौधरी यहाँ बैठे हैं, उसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन हर कास्ट की, और वहाँ दलित भी आके बोलता है चांद्रा आप लीडर्स जो 1398 की आपको रिकॉर्ड देश का मोहम्मद के तैमूरलंग के साथ उसमें दोहा बाद में की। अभी पंजाब में एक मूवमेंट चला था, बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, उसको लीड धनखड़ खाप की तरफ से लीड वहाँ पे जो बनिया समुदाय से थे उन्होंने कोई काम स्पेसिफिक नहीं है। लैंडलेस मजदूर के लिए ऐसा तो देखो ऐसा है मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ अफसर, मैं बच्चों को लिफ्ट देता हूँ, 150 बार की होगी, 200 बार की होगी, सेवक होगी, चार इंस्टांसेस मेरे साथ ऐसे हुए, अलग जगह अलग बच्चे अलग मौसम उतरते उतरते थे, थैंक यू अंकल थैंक यू, बाई काम काम करते हो, मैं क्या तारा से वहाँ करता हूँ जहाँ दुनिया सच डाली है, उन बच्चों का क्या होता है अंकल पुलिस को, तो एक धारणा बनी है कि गांव कैसे, ये चीज नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों ने तो पुलिस को ऐसा बना दिया कि विरासत में पुलिस वाले है, तो इसी सवाल की नहीं बात तो नहीं है, मीडिया मैं ये कह रहा हूँ धारणा बनती है तो जांच से ज्यादा तो मतलब देश के लिए पूर्व आने वाला कोई है नहीं। आप देखो रिकॉर्ड देखो हिस्ट्री देखो अगर तो कहीं जाकर क्या हो गया। एक बात देश सभा से बाहर है कि आप कह रहे सर्व जातीय खा पर चाहे या सिर्फ जाट लेकर के बैठे और किसी जात के या ग्रुप के नहीं है, ये ऐसा क्यों है? अगली में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा शहर मीडिया के एक तो आप सबको मधुकेश्वर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर वो आए हैं जिनके बाल सफेद हैं और वो सक्रिय हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं, और मैं तरस जाता हूँ दिल्ली की सड़कों पर किसी बुजुर्ग को देखते हैं, ये पूरी सभ्यता पर टिप्पणी हो सकती है, ये दिल्ली पर टिप्पणी हो सकती है, ये शहर पर टिप्पणी हो सकती है, जिसमें बुजुर्गों के लिए कोई जगह नहीं। आप बुजुर्ग हैं, आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं आपके उस पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहता हूँ जिसमें आपने कहा कि मीडिया हमें सही तरीके से पेश नहीं करता या आपकी कहानियों को नहीं छापता, आपकी कहीं भी बातों को नहीं छापता। मैं थोड़े दिन के लिए पत्रकार रहा हूँ, पत्रकारिता की पढ़ाई की और यहाँ पे CSTS पर भी पत्रकारों को ग्रामीण संकट पर सामग्री काम करता, तो कुछ कुछ पत्रकारों का मन और पत्र जहाँ से निकलते हैं, समाचार जहाँ से बनते हैं, उसका ढांचे के बारे में, उसकी सोच के बारे में मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ और उस चीज को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है, एक तो आपने बहुत ही जरूरी बात कह दी, पता नहीं उसको नोटिस में दिया गया या नहीं, जब आप कह रही थी कि अखबारों में या टेलीविजन में एक खास समुदाय के लोग नहीं है इसलिए उनके विचारों को ठीक ढंग से नहीं लाए, तो आप सही कह रहे थे, ये आरोप मीडिया पर और समुदाय की तरफ से भी लगाए जाते हैं, और ये मूल बात है। मूल बात ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी कहानियाँ अखबारों में टेलीविजन में रेडियो पर आए तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप नया शब्द जिसको कहते हैं इसकी एडवोकेसी कर, क्योंकि एक समय में 1,00,000 कहानियां मैं जानता हूं आउटपुट पर खराब के टेलीविजन के फ्लोर पर मैं सोच रहा हूं, 1 मिनट में 1,00,000 कहानियां हमारे सामने, तो उसमें हम किस कहानी को चुने और किस कहानी को छोड़ दें सेकंडों में निर्णय करते हैं। तो आपके लिए जो समाचार बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, हो सकता है कि हमारे मीडिया संस्थान के लिए उस समाचार की कोई कीमत ना हो, कारण क्या होगा वो हमें पैसा नहीं दिला रहा,
आपकी कहानियां क्यों इस तरह से छपती है जिसको आपको गुस्सा सोच वो इसलिए छपती है कि हम समाचार जब भी छापते हैं तो उसको कहानी बनाकर छापते हैं। और आप जानते हैं हिंदी सिनेमा में क्या होता है, अगर आप पुराना फॉर्मूला जो एक रेप का सीन रख लें और कुछ प्रेम प्रसंग रख लें, थोड़ी सी मारधार रख लें और कुछ झगड़ों को रख लें और आखिर में अंत कर लें, तो हम वैसी कहानियां ढूंढते हैं इसमें ये सारे मसाले हैं। कोई प्रेम करता नहीं, बट आई थिंक इसकी जिम्मेदारी मीडिया को लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि मैं तो नहीं, पर आप कह रहे हैं कि आपको एडवोकेसी सीखनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली मीडिया के लिए जो एडवोकेसी ग्रुप्स अहम रखते हैं, अहमियत रखते हैं, वो वही हैं जो उनका साउथ डेली कॉकटेल सर्किट है, इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और जो अच्छा काम समाज में तथाकथित